वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ कार की बात। 40,731 किलोमीटर चल चुकी है एंड फोर्थ सर्विस हो चुकी है। आपको गाड़ी दिखा देते हैं। गाड़ी बेसिकली क्या है कि एकदम फिर से नई नवेली दुल्हन बन चुकी है। अभी धुलवा के लाया था, कल सर्विस करा के आया था। तो आप सबके क्वेश्चंस होंगे कि भैया ये सर्विस कितने की हुई कैसी नहीं हुई, वो सारी की सारी डिटेल अगले ब्लॉग में आएगी आपके लिए। सॉरी मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाया बिकॉज यू नो कि ट्रैवलिंग काफ़ी हो रही थी। अपना एक नया वेंचर है शूट फॉर ब्रांड्स। अगर आप इंस्टाग्राम में करेंगे शूट SH OOT 4 नंबर और ब्रांड्स, वो चल रहा है। तो फिलहाल जो गाड़ी का एक्सपीरियंस है, गाड़ी का एक्सपीरियंस चौथी सर्विस का कैसा रहा, कितने की रही, क्या क्या ऑफर मिले, क्या क्या डिस्काउंट मिले, और एक इमोशनल स्टोरी है चौथी सर्विस से रिलेटेड, वो आप व्लॉग ज़रूर देखिएगा। लेकिन अल्टीमेटली अभी चौथी सर्विस के बाद भी गाड़ी, अभी सुबह सुबह जैसे मैं उठता हूँ, आपको अगेन कहता हूँ कि सुबह उठने के बाद 1 या 2 मिनट आप गाड़ी को गर्म कर लीजिए फिर चलाइए ताकि स्मूथ परफॉर्मेंस मिले। और इंजन ऑयल की बात रही तो नॉर्मल ऑयल की ऑप्शन होती है, सिंथेटिक ऑयल की। तो मैंने पहली सेकंड सर्विस में आई थिंक नॉर्मल डलवाया था, उसके बाद मैं सिंथेटिक पे आ गया था और सिंथेटिक ही डलवा रहा हूँ। कल वाली सर्विस जो हुई थी हमारी तो उसमें भी सिंथेटिक ही डलवाया था। और फिलहाल एक छोटा सा इशू आया है, वो शायद आई थिंक नेक्स्ट विजिट पे सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि मेरा इंफोटेनमेंट सिस्टम तो अच्छा चल रहा है लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी सी बिगड़ी है। तो इसको मेरे ख्याल एप्लीकेशन को दोबारा रिन्यू करेंगे या फिर प्रोग्रामिंग सेट करेंगे, क्योंकि मेरा उस साइड वाला स्पीकर चल नहीं रहा। और वो स्पीकर में क्या हुआ है, क्या फॉल्ट हुआ है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैंने इंश्योरेंस भी करा ली है, सेकंड इंश्योरेंस कराई है सेकंड ईयर की। इंश्योरेंस कितने की पड़ी, क्या ऑफर लेके आई वो इंश्योरेंस, और भैया क्या कहते हैं उसके साथ क्या क्या कूपन्स मिले इंश्योरेंस के साथ। भैया मेरे को एक कूपन भी मिला था और कूपन सेकंड सर्विस पे काम आया बिकॉज सेकंड सर्विस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, सॉरी फोर्थ सर्विस के काम आया। फोर्थ सर्विस बट ऑवर्स है, पेड होती है। पेड में आपको लेबर चार्जेस भी देने पड़ते हैं, अलाइनमेंट के चार्जेस भी देने, बहुत मतलब सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन वो सारे चार्जेस मैंने सेव किए। वो कैसे सेव किए वो भी मैं आने वाले दिनों में ब्लॉग बनाने वाला हूँ। सॉरी आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाया बिकॉज यू नो कि अभी ये थोड़ा सा सीजन चल रहा था, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही है, माइलेज मैं बहुत बार टेस्ट की है। अभी जो लास्ट माइलेज चल रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल मैंने अगर बात करें तो 2,202 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और उसमें जो माइलेज दी है उसमें भैया लोकल भी है और हाईवे में भी ट्रैवल किया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो मेरा अभी फिलहाल एवरेज बन रहा है दैट इज़ 15.1 किलोमीटर प्रति लीटर। तो माइलेज ठीक है, मतलब इसमें मेरे एक दो का दिल्ली के ट्रिप होंगे, मतलब ऐसे ट्रिपिंग भी है और साथ ही साथ लोकल ट्रैवल भी बहुत सारा है और लोकल एसी चला के गाड़ी के अंदर बैठना भी बहुत सारा है। तो उसके बाद ये माइलेज इस तरह की दे रही है। इसमें अगर व्हीकल की बात करें तो ये खुल गया। तो इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स आप देख सकते हैं 100 में से 89 पॉइंट्स दिए हैं और ये स्कोर है। अपना ट्रिप रिपोर्ट की बात करें, 2,202 किलोमीटर अगर चली है तो एवरेज कंजप्शन भैया 15.1 किलोमीटर, एवरेज स्पीड 26 की रही है और डिस्टेंस विदाउट कंजप्शन, ये मेरे को पता नहीं क्या होता है, आप समझा देना मेरे को, 128 किलोमीटर प्रति लीटर। तो फिलहाल अगेन अपडेट ये है कि हाँ भैया जो अगला व्लॉग आ रहा है दैट इज़ ऑन फोर्थ सर्विस। इमोशनल स्टोरी जुड़ी है, इमोशनल स्टोरी किस तरह की है, क्यों इमोशनल मैं कह रहा हूँ ये आपको आने वाले व्लॉग में पता लगेगा। एंड सॉरी अगेन मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया, कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में बैक टू बैक वीडियोस बना सकूँ। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कस्टमर आए अलग अलग गाड़ियों के, अगर आप ट्राई सिटी में रहते हैं तो आप मेरे को एक बार DM कर दीजिए, राइट, इट्स कार की बात @gmail.com या इंस्टाग्राम में इट्स मुनीश पुरी है मेरा अपना इंस्टाग्राम ID। आप वहाँ जाकर मेरे को DM कीजिए अगर आप चंडीगढ़ रहते हैं और अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, मे बी कोई भी गाड़ी का, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो टाइम निकाल के मिलूंगा और टाइम निकाल के वो आपका एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे बिकॉज अभी मैं थोड़े से एक्सपीरियंसेस तलाश रहा हूँ जिनके थोड़े यूनिक से एक्सपीरियंसेस हों, मे बी पॉजिटिव हो सकते हैं, मे बी नेगेटिव हो सकते हैं, मे बी कोई भी गाड़ी से रिलेटेड हो सकता है। तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, इट्स मुनीशपुरी ITSMUNISHPURI ये मेरा ID है और
सिर्फ एक्सपीरियंस वाले। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि काइगर गाड़ी लें या ना लें, भैया अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि इसका मैं एक कंप्लीट रिव्यू भी देने वाला हूँ, 40,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस। जैसे मैंने मेरे ख्याल 20 या 25,000 में दिया था, वैसे ही 40,000 का पूरा एक डिटेल्ड एक्सपीरियंस दूंगा कि एक साल और 40,000 किलोमीटर बाद कैसा रहा एक्सपीरियंस, वो भी आने वाले दिनों में आपको दिखा दूंगा। लेकिन गाड़ी ली जाए या नहीं ली जाए भैया, ये आपके ऊपर, आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए। कईयों को हैचबैक पसंद है, कईयों को भैया सेडान पसंद है, कईयों को एसयूवी टाइप पसंद है, कईयों को महंगी गाड़ी चाहिए, कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं है, एक साल बाद क्या कहना चाहूँगा, वो भी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल गाड़ी की अगेन सर्विस हो चुकी है, तो यही न्यूज़ देनी थी कि भैया अगला व्लॉग आएगा तो देख लेना और अपना कमेंट कर देना। बाकी लोकल अगर कोई भी लोग हैं ट्राई सिटी में, मे बी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, यहाँ पर कोई भी रहते हैं, वो अपने गाड़ी के यूनिक से एक्सपीरियंस, देखो नॉर्मल एक्सपीरियंस तो हर कोई शेयर करना चाहेगा, लेकिन यूनिक सा कोई एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। हम मिलेंगे, आप मेरे को DM करो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो भैया वीडियो शूट करेंगे, अगर नॉर्मल लगेगा तो, बट ऑब्वियस है नॉर्मल तो नॉर्मल ही होता है, वो मेरे को भी शूट करने में मज़ा नहीं आएगा। तो चाहे मैं होल्ड कर दूँ, चाहे वीडियो कम बनाऊँ, लेकिन ठीक है वीडियो उसी हिसाब से बनेगी, मतलब अगर कोई अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब कोई यूनिक सा एक्सपीरियंस हो, राइट। तो इसी के साथ अभी आज का व्लॉग मैं ख़त्म करता हूँ, बिकॉज आज का छोटा सा आपको इन्फॉर्मेटिव था कि हाँ भैया चौथी सर्विस हो चुकी है। ऑल्दो मैं 400-500 किलोमीटर लेट हो गया था, मैंने एजेंसी पहले ही कॉल कर लिया था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग समवेयर एल्स, तो उनको रिक्वेस्ट की थी कि भैया 40,000 में सर्विस होनी थी लेकिन मैं करा नहीं पाया, लेकिन मैं अब कराऊंगा आने के बाद। तो दे लॉ एंड दे टोल्ड मी कि हाँ एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो ऑफर भी दिया इन्होंने मेरे को, और बाकी एक इंश्योरेंस का एक स्पेशल सा कूपन था मेरे पास, उसको यूज़ किया मैंने फोर्थ सर्विस में, और फोर्थ सर्विस बहुत बड़ी ही ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ी मेरे को। तो अल्टीमेटली बाकी ये स्पीकर आई डोंट नो ये कब ठीक होगा, बिकॉज इनका जो प्रोग्रामर था वो उस टाइम नहीं था, स्पीकर चेक किया, वायर ठीक थी, स्पीकर ठीक था, लेकिन स्पीकर चल नहीं रहा उस साइड वाला, तो वो अभी आने वाले दिनों में देखते हैं क्या टेक्निकल फॉल्ट है। ऑल्दो उनका ये कहना है कि इसकी प्रोग्रामिंग, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की प्रोग्रामिंग दोबारा हो जाएगी और प्रोग्रामिंग से दोबारा ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल सिस्टम ने और कोई एरर नहीं दिया मेरे को, आवाज़ें अच्छी आ रही हैं, बेसिकली हम हर एक चीज़ अच्छी आ रही है, लेकिन एक ही फॉल्ट आया, दैट इज़ अ स्पीकर फॉल्ट, दैट इज़ ऑल्सो प्रोग्रामिंग फॉल्ट। बाकी हाँ एक और चीज़ है, बहुत सारे लोगों में डाउट है कि हाँ फेंडर लाइनिंग लगा दी गई है या नहीं लगाई गई है, उसके ऊपर भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो भी आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएगी कि फेंडर लाइनिंग किस तरह की लगाई है या किस तरह की नहीं लगाई है। तो आने वाले व्लॉग्स में आपको 2-3 इन्फॉर्मेटिव मिल रहा है कि काइगर से रिलेटेड, उसके बाद मैं चाहूँगा आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को बताना। तो उम्मीद है कि अगर मेरे को अच्छे प्रोफाइल्स मिलते हैं, अच्छी कहानी मिलती है, तो उस कहानी को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मे बी वो किसी भी गाड़ी की हो, नई गाड़ी की हो, पुरानी गाड़ी की हो, स्टोरी होनी चाहिए भैया उसके पीछे एक अच्छी सी। अगर स्टोरी अच्छी है आई विल बी शूटिंग दैट स्टोरी एंड आई विल बी ऑन एयरिंग दैट स्टोरी ऑन आर कार की बात। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। बाकी अगेन जुड़े रहिए, देखते रहिए कार की बात। बाय बाय, अगले ब्लॉग में फोर्थ सर्विस की कंप्लीट वीडियो। बाय बाय।